हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी क्रिसमस आ रही है तो हमने सोचा एक केक बनाते हैं जो क्रिसमस में स्पेशल है। आज हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट्स केक और इसे प्लम केक भी बोलते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। मैंने फ्रेंड्स कुछ ड्राई फ्रूट्स लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है टूटी फ्रूटी, डेट्स, ब्लैक किशमिश, काजू किशमिश लिया है और थोड़ा सा बादाम को मैंने चॉप्ड कर लिया है। और मैंने यहाँ पे लिया है ऑरेंज जूस। आप ऑरेंज जूस की जगह ग्रेप्स जूस भी ले सकते हैं। पहले हम एक बाउल में सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे। अब हम इसमें ऑरेंज जूस डाल देते हैं और इसको हमें सोक करके 5 से 6 घंटा रख देना है। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसे ढक के 5 से 6 घंटा हम रख देंगे। फ्रेंड्स, पाँच से छः घंटा हो गया है। मैंने कुछ चेरीज भी इसमें डाल दी थी। एक्चुअली मैंने चेरीज डालना भूल गई थी, इसलिए मैंने बाद में चेरीज को कट करके इसमें डाल दिया था। देखिए, ये पूरी तरह ऑरेंज जूस को सोक कर लिया है। मैंने यहाँ पे लिया है बटर मिल्क, मिल्क, कोका पाउडर, शुगर, वेनिला एसेंस, कुकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर, दालचीनी पाउडर, मेल्टेड बटर और मैदा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहले हम जो शुगर रखे थे उसको कैरेमलाइज करेंगे। इसको हाई फ्लेम पर ही करना है। देखिए, चीनी हमारा धीरे धीरे पिघल गया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी डालेंगे। ये आप ध्यान से ही डालिए। ये हो गया है फ्रेंड्स। इसको मैंने और एक बाउल में निकाल दिया है। अब हम इसमें मिल्क डाल देंगे थोड़ा सा, और इसमें हम थोड़ा सा बटर मिल्क भी डाल देंगे। अगर आपके पास बटर मिल्क अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें लास्ट में विनेगर ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालेंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। अब हम इसमें मेल्टेड बटर डाल दिए। आप बटर की जगह ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें दालचीनी का पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर, कुकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर सब डाल के एक साथ मिक्स कर देंगे। हमने यहाँ पे कोका पाउडर भी डाल दिया है। थोड़ा सा बटर मिल्क और ऐड कर दी मैंने यहाँ पे। अब इसको फ्रेंड्स अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे इसमें। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं।
अब हम इसमें 2 ड्रॉप वेनिला एसेंस डाल देंगे। अगर आपके पास बटर मिल्क अवेलेबल ना हो तो इस टाइम पे आप विनेगर डाल सकते हैं 2 टेबलस्पून। अब हम केक टिन में ये बैटर को डाल देंगे। मैंने केक टिन में बटर पेपर पहले से ही लगा दी थी फ्रेंड्स। मैं ये केक गैस में बनाऊंगी और इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। मैंने कढ़ाई को पहले से ही गर्म कर दिया था, नीचे थोड़ा सा नमक देके और एक स्टैंड रख दी थी मैंने। अब हम इसको ढक देते हैं। ये होने में फ्रेंड्स लो फ्लेम पे 40 से 50 मिनट लगेगा। अभी चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा केक हो गया है। अब हम इसको निकाल देते हैं और एक कॉटन कपड़े में इसको ढक देते हैं ताकि जो ऊपर का पार्ट है जो हार्ड ना हो। केक को हमने केक टिन से अब निकाल दिया है फ्रेंड्स। देखिए कितना अच्छा बना है केक। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।